इतरे स्तुति गिराम हृदय योग भाजाम पादाम बुजे च सुलभा ब्रज सुंदरीना स्तन्यम पिबंतम जननी मुखाम्बुजम विलोक्य मंगस मितचारुहासम स्पृशंत मन्यस्तनमंगुदीभि वंदे यशोदांक व्रतम मुकुंदम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्य बाबा की स्मृति को प्रणाम करते हुए और आप लोगों से साथ में स्थापित करते हुए दो चार बातें कहेंगे, क्योंकि ये कर्तव्य है कि जो कुछ हम समझ सके मनन कर सके तो उसको कुछ न कुछ प्रेषित किया जाए। देखिए सब कुछ तो बोझ है, केवल भगवान को छोड़ के बाकी सब बोझ है। क्यों बाकी जो प्रकृति के कार्य हैं उन सब में गुरुत्व है, वजन है, भगवान में नहीं। तो इसीलिए भगवान को चाहे कहीं भी धारण करिए, हृदय में धारण करिए या हनुमान जी कंधे पर लिए उठा के ले गए तो कहीं वजन तो कुछ आना ही नहीं है। तो जब कहीं वजन आना नहीं है तो दिक्कत क्या, जहाँ तक ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभु का जो भी सुख हमको मिल सके उनके स्पर्श जन्य सुख की कामना लोग करते हैं। तो हम लोग तो स्पर्श तो दूर है, दर्शन का सुख मिल जाए वो भी ना हो तो उनकी बांसुरी का शब्द सुनने को मिल जाए। तो अपनी अपनी कामना है, उसके लिए हम लोग तरसते रहते हैं। क्यों ये कहिए कि भगवान की बांसुरी का शब्द सुनने से क्या मिलेगा? मिलेगा, वो दिव्य शब्द है। तो योग में लिखा है कि जब दिव्य शब्द दिव्य रस दिव्य गंध ये किसी की प्राप्ति हो जाए तो उसके बाद समाधि बहुत नजदीक है, ये समझना चाहिए। वो इतना है तो भगवान की मुरली अगर सुनते पुनती है या राधा जी के नूपुरों का शब्द सुनने को मिल गया तो आप समझिए हो दिव्य शब्द वो हमारे कल्याण के लिए आ गया। वो सूचक है कि अब हम अपने अगले श्रेणी को प्राप्त करें। क्योंकि दिक्कत है ना, उसमें जो सूत्र में लिखा है कि साधक जब साधना करता रहता है तो वो एकांत में सब कुछ का त्याग करके और उस पथ में चल पड़ा है, योग का पथ है। लेकिन वो योग कब होगा? योग तो मिला मिलन है ना, तो वो वियोग का अनुभव करते करते थक जाता है, कभी कभी ऊब जाता है। तो वो कुछ चिन्ह अगर ऐसे न मिले जिन चिन्हों से वो ये अनुमान कर सके कि अब हमको भगवत प्राप्ति होगी, वो बात एक ही है, कोई दो नहीं है। योग से आप चाहे समाधि में जाइए, जो कहिए शब्दों का अंतर है। क्यों कि जब आप भगवान का साक्षात्कार करेंगे तो उस समय भी संसार का विस्मरण तो होना है, संसार से संबंध छूट जाए। और ये अवसर बहुत कम लोगों को मिलेगा, हमको तो अवसर मिला है समाधिस्थ होते संत को। समाधिस्थ माने भगवान का सगुण विग्रह जो है उसका साक्षात्कार करते हुए संत को दिन में हमने
12 बजे दिन में देखा, ये नहीं कह सकते कि सोए हैं समाचार तो स्वप्न है ये है। तो अब है क्या, मान लीजिए हमने देखा एक ब्रह्मचारी जी थे, अब तो शरीर नहीं रहा, तो ये सब सुनाते इसलिए हैं कि ये सब प्रेरक प्रसंग है, उनसे प्रेरणा मिलती है। अब हम लोग सोचेंगे कि जब तक ये नाक दबाएंगे नहीं, इसको खोलेंगे नहीं, श्वास को खींचेंगे नहीं और आसन पर नहीं बैठेंगे, अरे वो तो देख रहे थे दिन में का बनाया कुछ और हमको सामने चौकी पर बैठा दिए, और अचानक जो है हम उनसे पूछते रहते थे कि आप उनको, चूंकि माता जी ने कहा था जब घर से निकले 12-13 की अवस्था थी, तो उनकी माता जी ने कहा था कि जाओ बहुत अच्छा रास्ता है लेकिन भगवान को प्राप्त किए बिना रुकना मत, कोई दूसरा काम मत करना, और प्राप्ति में बाधा हो तुमको ये लगे कि ये नहीं है मुझसे शक्य है तो घर वापस आ जाना, फिर मत रुकना बाहर, और नहीं अगर भगवान को पा सको तो प्रयास करो। तो वो माँ के इस आशीर्वाद के साथ निकले थे तो उनको प्राप्ति तो हुई, तो हम उससे ये पूछते थे, छुट्टी के दिन जाते थे तो हम उनसे ये कहते थे कि सगुण का दर्शन किस रूप में हुआ वो हमको आप बताइए, और हम निर्गुण के साक्षात्कार की चर्चा नहीं करते, क्योंकि सगुण का साक्षात्कार हो गया तो निर्गुण का तो होना ही है, वो नहीं रुकेगा। नया बाबा हमसे कहे थे कि जब उपासना करने से भगवान का दर्शन होता तो दर्शन होता है, फिर उन्हीं से प्रार्थना की जाती है कि आप अपना स्वरूप बता दीजिए तो वो बता देते हैं, उसी को ब्रह्मज्ञान कहिए, आत्मज्ञान कहिए, भगवान का दर्शन कहिए, सब होता है उसी। तो हम कह दिए कि कली में दर्शन होता है, हाँ कली में होता है और कलयुग के अंत तक होता है। तो ब्रह्मचारी जी से हम यही कहते रहते थे कि आप हमको वही प्रसंग सुनाइए जब जब आपको भगवान का दर्शन हुआ, तो गए कुछ दिन टाले 2-3 महीने, लेकिन लिखा है ना, गुड़ तत्व न संत दुरावें हैं आरत अधिकारी जो पावें। अब लोग कहते रहते हैं कली है कैसे होगा क्या होगा, अरे कौन सा कली बढ़ गया, ये तो हमेशा आता रहता है, और कली आप भगवान का भजन भी करेंगे और कलयुग भी रहेगा, कैसे संभव। तो कली है, कली है चिल्लाने का मतलब है कि हम भजन नहीं कर रहे हैं, सीधी बात है। ये बात बुरी लगेगी, हम ही तो कोई कहे, ये बात तो सबको बुरी लगेगी, क्योंकि हर आदमी अपने केवल प्रशंसा सुनना चाहता है, बुराई कोई नहीं सुनता। तो 2-3 महीने बाद अष्टमी के दिन जब छुट्टी रहती थी तब हम उसी दिन जाते थे, मैंने अनध्याय जब पढ़ना नहीं रहता, रोज रोज बताओ नहीं तो पढ़ने के दिन तो नहीं छोड़ते। तो वो देख रहे थे तो हमसे कहे कि द्वारिका में हम गए थे तो दशम स्कंद का पाठ कर रहे थे, और उस समय ही जब पन्ना पलट रहे थे तो पीतांबर, बस पीतांबर बोल पाए, उसके बाद वो बोल नहीं पाए। भगवान का स्वरूप सामने आया है और वो बहुत तेज भस्त्रा चली उनकी, ऐसे बड़ी तेज किए, और चिमटा हाथ में था वो उधर गया, कीड़ा एक छोटा सा था उसी पर बैठे थे,
वह दोनों पीढ़े के ऊपर था और वह अचानक वो चिमटा उधर फेंका गया और ऐसे आ गए इस मुद्रा में, तो बैठे रहे। फिर जब कुछ देर बीता तो अश्रु की धारा चली, बूंद उद नहीं, बेहतरीन लगाने पर भी एक आध बूंद आ रहा है ना, अब वो तो धारा ऐसी चली कि वो देखने का संयोग से सौभाग्य हमको भी मिल गया। तो वो अश्रु की धार चली और सिस्की बन गई। हम उनसे कहना चाहे कुछ क्या हो गया, ऐसे हाथ कर दिए। थोड़ी देर बाद जब प्रकृतिस्थ हुए तो हम कहे कि आप रोए क्यों, तो कहे कि वही पीताम्बरधारी जो भगवान का जो स्वरूप है जिसको हम आपको बताना चाहते थे वो अचानक सामने आ गए। तो तब से हमको बहुत मानते कहते थे कि 12 साल बीत चुका है, 12 साल बाद ये स्थिति हुई है, आपके कारण आप चर्चा किए तो हुआ, अरे हमारा उसमें कौन योगदान है, हम तो जानना चाहते थे। तो कहे कि नहीं, वो स्वरूप जब आया है तो सारा संबंध छूट गया संसार, यही कहते हैं मुनयो समाधव। अब रितोय में समुद्र के जल में जैसे कोई जल मिले तो उसकी अपनी सत्ता खत्म हो जाती, समुद्र में नदी मिल गई या आप लोटे में जल लिए हैं वो गिरा दिए तो फिर समुद्र में मिलने के बाद आपकी हमारी किसी की भी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसमें से निकाल लें, वो तो समुद्र ही हो गया। उसी तरह से भगवान से मिलने के बाद वो बाहर निकलता नहीं, देखने को वो दिखाई पड़े भले ही, व्यवहार करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो बाहर आता नहीं। तो हम उनसे ये कहे कि आप रोए क्यों, कितनी अश्रु की धारा चली है, तो सिस्की बंधी थी, शांत हुए तो कहे कि देखिए वो इतना मनोहर रूप है, इतना मनोहर रूप है कि उसका वियोग कोई सहन नहीं कर सकता। यही उनका शब्द था, कहे कि उसके हटने के बाद पत्थर भी पिघल जाएगा, रोने की बात आप करते हैं। तो ये हमने देखा अपनी इन आँखों से, और एक दिन नहीं दो दिन देखा। तो ऐसे पुरुष जो हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं, और प्रेरणा के स्रोत इसलिए कहते हैं कि हमको हो चाहे ना हो देख के प्रेरणा तो मिलेगी कि हम भी इस स्थिति में जाएं। तो वो वेदांती लोग मान लीजिए कहते हैं कि बिना जगत के तिरोहित हुए, अरे द्वैत का जब तिरोधान होगा तभी अद्वैत अनुभूति में आएगा। जब द्वैत का तिरोधान होगा तो द्वैत का तिरोधान कहिए और उस अद्वैत स्वरूप की अनुभूति कहिए, वो एक ही क्रिया। अब आप कहेंगे कि अद्वैत का साक्षात्कार हो जाए तो तिरोहित हो, ऐसा नहीं हो, वो कैसे होगा, जब तक ये तिरोहित नहीं होगा तब तक आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी। अद्वैत सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है तो उनका जो आनंद रूप है उस आनंद रूप का प्रस्फुटन तब तक नहीं होगा जब तक द्वैत का तिरोधान नहीं। इसीलिए हनुमान जी ने देखा का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन, कि जब आपका स्मरण न हो वही विपत्ति है, इसके अलावा कोई विपत्ति नहीं। तो भगवान का दर्शन वो
दिया है ना कि दर्शनम दर्शनम हम, माने भगवान का दर्शन हुआ तो संसार के दर्शन को मार खत्म हो जाए। दर्शनम दर्शनम, या गंगा का कही, गंगा का दर्शन हो गया भाव के दर्शन से आता, और पंख पंकम बेपोहर है, पंख जो है उसका कीचड़ मिल गया, तो कीचड़ को मिलेगा जब आप जाएंगे उतरेंगे गंगा में तब ना, तो कहे कि पंख पंकम बेपोहर। फिर पंख जब एक बार गंगा का आ गया, चरण से आपके संपृक्त हो गया, तो उसके बाद फिर आपको पंख नहीं लगे, धरती से बेचन नहीं होगी तो अब पंख कहाँ से लगेगा। तो इसीलिए दिया पंख पंकम बेपोहर। तो इसलिए ये चीजें जो हैं, जब मन में दृढ़ कर जा, दृढ़ता उनकी आ जा, तब न उसको आप व्यवहार में लाएंगे। वैसे होता क्या है कि सामान्यतः कोई नियम, कोई जब कुछ शुरू करिए आप, तो वो खुल जाता है। हम बहुत बार अनुभव किए कि कोई मंत्र हमको देख कर दीजिए जपने को, तो हम जपना शुरू करेंगे तो वो घूम के नवारण आ जाएगा या गायत्री मंत्र आ जाएगा, उनका अधिक आवर्तन हुआ। तो इसलिए अब पता नहीं है, थोड़ी देर बाद जब ध्यान आया तो हम फिर किसो, मान लीजिए पंचाक्षर जप रहे हैं तो ये हुआ कि नवारण चल रहा। तो ये अत्यधिक अभ्यास की इसीलिए जरूरत है, बिना प्रयास के जब वो चलने लगे। अब चर्चा हो गई तो एक एक चीज बता दें, हमने क्योंकि हम उसका अनुभव किए कि बिना प्रयास के जब कैसे होता, तो वो आपको सुना दें। एक संतों की कृपा से हो जाता, हम लोग सोचते हैं खूब रियाज चढ़ाओ और खूब भोजन बढ़ाओ पहलवान हो जाएंगे, तो पहलवान हो जाएंगे, लेकिन उससे उतनी शक्ति आ जाएगी कि आप सबको जीत लेंगे, ये संभव नहीं। हाँ, भगवान की कृपा हो जाए तो वो भी हो जाए। एक बार हम गए वहाँ, बड़हगंज एक स्थान है घाघरा के उस पार, तो वहाँ एक संत रहते थे, तो हम उनके यहाँ गए, दिन भर रहे और कुछ चर्चा हुई, शाम को हम लौटे क्योंकि दूसरे दिन विश्वविद्यालय जाना था, तो शाम को लौटे तो देखे वो शाम मैंने 9-10 बज गया था, भोजन किए सो गए, तो सो गए तो हम कहे कि तो बड़ा गड़बड़ है भगवत प्राप्ति का। हम सोचे थे संत अच्छे थे, ज्ञानी संत थे और भक्त थे, तो हम सोचे थे कि भगवान को कैसे पाया जाए, ये उनसे पूछेंगे। पर दिन भर रहे ये चर्चा नहीं हुई, हम लौट आए, लेकिन रात को जब सोए तो सुबह नींद खुली 4 बजे नींद खुली, तो यही मंत्र आया। ये मंत्र निम्बार्क संप्रदाय में शरणागति का मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम। तो ये मंत्र आया तो हम सोचे कि अब उससे पहले हम जानते नहीं थे कि ये शरणागति का मंत्र है, तो आया तो हम सोचे कि संस्कृत का ज्ञान होने से ऐसे आ गया है। लेकिन वो समझिए कि उस मंत्र का वेग बढ़ता गया बढ़ता गया, ऐसा बढ़ा हम उसको रोक नहीं सकते, बिना प्रयास। बाथरूम में गए, जीभ को दांत से दबा दिए, लेकिन मंत्र नहीं रुका, अब बिना प्रयास के, और वो 24 घंटे वैसे चलता रहा। आप मिले, आपसे हम बात किए, मंत्र नहीं रुका, तो 24 घंटे या 36 घंटे बाद वो अपने आप धीरे धीरे बंद हुआ। तो बंद हुआ तो हम समझ गए वो
अगर उसकी धारा को बनाने का प्रयास किया गया होता तो वो आपको पहुंचाता जहां पहुंचाना होता, लेकिन उसको उसकी धारा को जो अनायास चल रहे थे उसको आगे बढ़ाने का हमने प्रयास नहीं, तो वो वही बंद हो। तो ये सब जो है भगवान के अनुग्रह से ही होता है, और भगवान का अनुग्रह संतों के अनुग्रह से प्राप्त होता है। तो हमको संतों के अनुग्रह को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही वो स्वरूप है जो संत के रूप में बोलता है। ये कहें कि ऐसा कैसे मानेंगे, तो एक माता जी हैं, अभी भी हैं, वो ब्रह्मित, उनकी भगवान राम में बड़ी निष्ठा थी और श्री राम जय राम जय राम बहुत सपोर्ट। तो एक दिन नैमिषारण्य में हम लोग साथ थे, हमसे कहें कि चलो बहुत लोगों को सुनाए हो भागवत, चलो हम लोगों को सुनाओ। हम कहे माँ हम आपको क्या सुनाएंगे भागवत, हम लोग पेट पालने के लिए दूसरों को धोखा देने के लिए उतना कुछ सीखे हैं, तो हम लोग जो भी करें पापे तो कमाते हैं। अरे अब हम कहने लगे कि भगवान का ऐसा स्वरूप है ही करने से ही हो जाएगा, ये सब झूठा ही ना है, कहाँ से आप कह देंगे कैसा होगा। कहें कि नहीं नहीं सुना, तब भागवत सुनाए। उसी प्रसंग में बीच में एक दिन बैठी थी तो हमसे कहें ऐसे ऐसे वहाँ पर इशारा किया हो, कहें कि देखो, कहें बेटा इस शरीर में और राम कृष्ण के शरीर में कोई अंतर नहीं, विग्रह बोली शरीर में, इस शरीर में और भगवान राम कृष्ण के विग्रह में कोई अंतर नहीं है, रंच मात्र, ये कह के चुप हो। कहने का क्या मतलब था, वहाँ तो पांच लोग हैं जो सुन रहे हैं और हमसे कह रहे हैं, तो ये कहिए कि झूठ बोल रहे हैं तो किस प्रयोजन के लिए झूठ बोलेंगे, ऐसा नहीं। तो वो बोले जो कुछ वो तो सत्य बोले, और सामर्थ्य कि हमको एक दिन भय हुआ, भय किस बात का कि एक चोर पकड़े थे हम लोग, कई लोग थे, तो वो चक्र तीर्थ है ना नैमिषारण्य में, तो उसमें हम लोग स्नान करके चक्कर लगा रहे थे, ऐसे घूम रहे थे, तो माँ का एक हाथ आगे वाला हम पकड़े थे, हम सबसे आगे थे, और उनका पीछे वाला हाथ अंकुर की माता जी पकड़ी थी। हम लोग घूम रहे थे, इसी बीच में अंकुर की माता जी के गले में चेन थी, उसको एक लड़का आया डूब के और काट लिया और दूसरे को पकड़ा दिया, खैर ये तो हो गया। तो उस लड़के को हम पकड़ लिए, पकड़ के लेके बाहर आए, फिर हम लोग उसको ले गए जहाँ रहते थे, दो दिन वही रखे, पेपर में निकल गया, फिर वहाँ के दरोगा जी आए, तो हम मन में अपना भय, हम सोचे कि तो बड़ा मुश्किल है, माँ कहते हैं कि ये जाएगा नहीं, और दरोगा जी उसी के लिए बैठे थे, दो तीन घंटे बैठे, तो कहे एक सिपाही थे उनके साथ आए थे, तो बड़े समझदार थे, तो वो दरोगा जी को समझा उमझा के और कहे कि आप घबराइए मत, ये सन हैं, मन में आएगा छोड़ देंगे, तो अंत में उन्होंने खैर छोड़ भी दिया, कहा कि चले जाओ। हमारे मन में ये आया कि दरोगा जी जब जबरदस्ती करेंगे तो कौन रोकेगा, कैसे होगा, यही हमारे मन में आया था। तो जब वहाँ से हम लोग चले तो ऐसे कि कहते हैं बेटा इच्छा के बिना इस सिर का एक बाल भी कोई छू दे तो जल के यही राख हो जाए, ये सब कहें कि इच्छा के बिना
अगर एक बाल भी कोई छू दे तो यही जल के राख हो जाएगा, मर जाएगा नहीं। तो ये इतनी सामर्थ्य के लोग अभी भी हैं। और अब मान लीजिए ये सब था, वो अगर ये न कहते हैं कि इस शरीर में और भगवान राम और कृष्ण के विग्रह में कोई अंतर नहीं है तो हमको कैसे मालूम होता, हम तो नहीं जान पाते ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि संतों का स्वभाव और संतों का स्वरूप और संतों का चरित्र ये जो है हम लोगों के मन से हम लोग उसका अनुमान कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी इच्छा हो तो वो मालूम हो जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे तो कहने से ही मालूम होगा। इसलिए उनमें निष्ठा करके और भगवत प्राप्ति के लिए भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के ही स्वरूप हैं और वो यहाँ घूम रहे हैं। अब हमारी जितनी श्रद्धा होगी उतना ही तो हमको मिलेगा। कल हम आपसे कहे थे श्रद्धा मयोयम पुरुषा श्रुति कहती है, जो जब श्रद्धा सएव सः श्रद्धामय पुरुष है, और जो जब श्रद्धा जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो वही है, यहाँ तक श्रुति ने कहा। तो इसलिए हमको पिताजी एक बार कहे, बहुत से शास्त्र की बातों में संदेह होता है ना, तो हमसे कहे कि देखो शास्त्र में जो कुछ लिखा है वो अक्षरशः सत्य है, जिस रूप में लिखा है उसी रूप में सत्य है, तो उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। और ना समझ में आवे तो जो विज्ञ लोग हैं उनके पास जाना चाहिए और जाके उनसे पूछना चाहिए, ये उनके शब्द। और इसका प्रत्यक्ष उसमें हमको गोरखवाणी में एक पद मिला, तो वो कहते हैं कि गुरु की वाणी सुनने के लिए इतना हम प्रयास करेंगे, लंका छाड़ी पलंका जैबे, ये लिखा है वहाँ, पद है गोरखवाणी में, लंका छाड़ी पलंका जैबे पैबे गुरुमुख वाणी। मतलब क्या हुआ, आप सोचिए कि हम तो मंत्र जान ही रहे हैं, पंचाक्षर ये है, द्वादशाक्षर ये है, अष्टाक्षर ये मंत्र जानते रहिए जीवन भर, नहीं 10 जन्मों तक जपते रहिए, होना कुछ नहीं है। और वही जो गुरु के मुख से आएगा तो वो फिर आपको वो पहुंचा देगा, मंत्र वही है, अन्यथा तो लिपि है ना, तो लिपि ग्रहण करने को तो आप पढ़े लिखे हैं तो देखेंगे कहीं मंत्र को तो उसको ग्रहण कर ही लेंगे, लेकिन वो जो 8 अक्षर हैं उसको ग्रहण करेंगे, उसके उसमें सामर्थ्य तो तभी आएगी जब वो गुरु के मुख से मिलेगा। अब चौधरी जी आ गए हैं, अब वो संकेत है तो हमको रुकना चाहिए, इसलिए बाबा को प्रणाम करते हुए और यहीं विराम लेंगे और फिर कल आप लोगों से अवसर होने पर मिलेंगे। तो अवसर इसलिए कह रहे हैं कि वो सब कुछ तो भगवान के ही हाथ में है। बाबा हमसे कहे थे जब भी अवसर मिले भगवान का ध्यान करें, ये कहवाए थे अमूल से। तो हम सोचने लगे कि भगवान का ध्यान कह रहे हैं करने को, तो ध्यान तो कोई ध्यान चिंतन है ना, जय चिंतायाम धातु से ध्यान बनता, तो चिंतन किसका करें, स्वरूप उनका कुछ आप कुछ बता दिए कि ऐसा स्वरूप है, या हम फोटो देख लिए कहीं पुस्तक में ये भगवान राम का स्वरूप है, तो भगवान का राम का वो स्वरूप नहीं ना है, उसकी अनुकृति है। तो
वो पूरा का पूरा उनसे मिलता है ये तो नहीं कहा जाता। अरे जिसने बनाया जितना सुना जितना देख उतना बना दिया, भगवान का वो स्वरूप है कैसे कोई कह सकता। तो बड़ा मुश्किल है। अब इसी में बुद्धि हमारी उलझी, भगवान अवसर हो तो भगवान का ध्यान करें, कौन सा भगवान का ध्यान कैसे करेंगे। तो हम ये समझे कि मन को निर्विषय करने का प्रयास करो, तो उसके बाद क्योंकि निर्विषय मन में भगवत तत्व का स्फुरण होता है, तो प्रयास हम लोग इतना कर सकते हैं कि हम मन को निर्विषय बनाने का प्रयास करें, और निर्विषय होगा और निष्क्रिय होगा, क्योंकि ये विकार है ना, मन की क्रिया वही तो चंचलता है। तो जब हम उसको रोकेंगे, हमारे वो हमने अपने गुरुदेव से पूछा गोकुल में एक दिन, गुरुदेव लिखा है कि मन को, लिखा है सुना भी है हमने कि मन को रोकने से समाधि होती है, भगवान का साक्षात्कार होता है। इस समय कहीं नहीं लिखा कितनी देर रोकने से हो, तो वो समय बताए है कि इतना देर तक अगर रोक लोगे तो समाधि हो जाए। तो इसीलिए संतों के पास जाना चाहिए। और हमको जो समझ में आया, और शास्त्र में है सब कुछ, लेकिन उसको स्पष्ट रूप से बताने वाले लोग कम है, नहीं है कि मैंने कम। अब सुंदरकांड का आरंभ का ही पहला पेज पढ़िए, मैंने लंघन के पूर्व में हनुमान जी के शरीर की क्या स्थिति है, तो वो पढ़ लीजिए, तो आपको खेचरी का वो कोई बताने वाला हो तो वो बता देगा वहीं से कि खेचरी में ये आकृति होती है आकाश गमन, तो वहां वाल्मीकि ने लिख दिया। तो दो शब्द तो लिखे हैं, रुरोध हृदय प्राणान ऊर्ध्वम प्रणीत क्षण, ये दो लिखे हैं कि ऊपर की ओर उन्होंने दृष्टि को समाहित किया और प्राण को हृदय में रोक, ये दो बात लिखा है लंघन के ठीक पूर्व आप वाल्मीकि रामायण करें। तो अब कोई उसका जानकार हो तो वो बता देगा कि अब वर्णन तो उतना है कि उन्होंने रोक लिया, प्राण को रोका हृदय में और दृष्टि को ऊपर कर, रुरोध हृदय प्राणा ऊर्ध्वम प्रणीते क्षण, और उसी स्थिति में वो लंका तक चले। तो बस अब यही विराम लेंगे और फिर कल यथावसर आपसे मिलेंगे। अब रुद्र जी का